नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए से सब्सक्राइब ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ्री नोटिस आपके पास चला जाएगा और लाइक शेयर कमेंट करना भूलना बिल्कुल फ्री है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज आपको बताऊँगा अयोध्या लग्न के बारे में, इस लग्न की महत्वता क्या है, ठीक है, इसे कैसे देखते और कैसे बनाते हैं। ठीक है, अयोध्या लग्न जो है ये लगन बताता है आप की जो छवि है, मतलब आपकी जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है वो बाहर से लोग कैसे देखते हैं, कैसे आपको देख के समझते हैं। आप अंदर से कुछ भी हो सकते हैं, बाहर से कैसे ये लोग कैसे समझेंगे अयोध्या लगन को देख के। अब देखिए, आमतौर पर आप बाहर से ऐसा शेर की तरह है, दहाते हैं आपको देख के, आपको शायद ऐसा लगता है, लेकिन लोग आपको देख के हंसते हैं बाहर, क्योंकि आपको बिहेवियर देख के ना बहुत लोग को देख के लोग समझते हैं कि वो गरीब इंसान है, फटे हुआ कपड़ा पहनते हैं, लेकिन वो इंसान शायद कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसको ऐसे ही रहना पसंद है, उसके पास बहुत पैसे हैं। तो लाइफ में ऐसे किस्से बहुत सारे देखेंगे जिसको देख के आप पहचान नहीं सकते इंसान की औकात क्या है, इंसान की क्वालिटी क्या है, लेकिन अंदर से जैसे बाहर से अलग है। आपको देख के लगता है इंसान कोई महान ऋषि है, कोई महान तपस्या, लेकिन बाहर जब इनकी छवि खुलती है तब आपको पता चलता है इंसान अलग है, पूरे अपने सभी से अलग। ठीक है, तो इसको ऐसे देखते हैं। आसान सा है, आपके लग्न जहाँ पर बैठे हैं, जितने घर दूर गए हैं उतने ही घर आप उस लग्न से गिनिए, और जो भाव आता है उस भाव को लग्न बना लीजिए और बाकी सारे प्लान सेम तरीके से बैठा लीजिए। ठीक है, जैसे यूँ पकड़ लीजिए, ये मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, 3 नंबर लिखा है और लग्न चले गए आपके मेष राशि में। ठीक है, यहाँ पर लग्न आपके मरकरी बनते हैं, तो मरकरी चला गया यहाँ पर आपके मेष राशि के पर मरकरी है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए कितने घर आ गया है, ये लगन है। ठीक है, तो लगन से आपका 11 घर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 घर आगे गया है। तो आपको क्या करना है, ठीक उतनी ही घर आगे जाना है आपको लग्न से। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से 11 घर आगे जाना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और इस भाव को, मतलब आपके यहाँ पर ये जो भाव है 9 हाउस को आपको लग्न बनाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर को 9 हाउस ले, 9 हाउस पे कौन सा आता है, आपका कुंभ राशि, तो यहाँ पर कुंभ राशि बनेगा लग्न, और बाकी सारे प्लैनेटों को ऐसे ही बैठाना है। अब देखिए इसको बनाते कैसे है, जैसे मैंने इस व्यक्ति की कुंडली खोली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो इंसान है इसका बनता है लग्न, बनता है आपके यहाँ पर धनु। ठीक है, धनु लग्न, धनु लग्न के लॉर्ड कौन होते हैं आपके, आपके धनु लग्न के लॉर्ड होते हैं जुपिटर। अब जुपिटर कहाँ पर बैठे हैं, आपके 9 हाउस पे, तो मतलब आप अपने आप से 9 घर आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप यहाँ से आपको 9 भाव आगे गिनना है लगने से। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, तो आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपके यहाँ पर इस भाव को आपको लग्न बनाना है। ठीक है, अयोध्या लग्न का, जैसे यहाँ पर अयोध्या लग्न बन गया है। ठीक है, तो अयोध्या लग्न के सबसे बड़ा जो नियम है, अगर केंद्र में आपके, देखिए मैंने यहाँ पर मेष राशि को ऐसे ही बैठा दिया है, जैसे बाकी के प्लैनेट था वैसे हर प्लैनेट को उस राशि में बैठा दिया है। ठीक है, अब अयोध्या की सबसे बड़ी बात जो होती है, अगर केंद्र में आपके शुभ प्लैनेट आ जाए, ठीक है, और त्रिकोण में भी शुभ प्लैनेट अगर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, तो क्या होगा, इंसान की जो छवि होगी वो समाज में अच्छी होगी। अगर केंद्र में अगर खराब प्लैनेट आ जाता है, ठीक है, मतलब कूड़ प्लैनेट, पापी प्लैनेट आ जाता है, तो इंसान की जो छवि होती है वो कहीं ना कहीं बाहर से इतनी बढ़िया नहीं होती। जैसे इस व्यक्ति पे आप देख सकते हैं, जो सैटर्न होता है, यहाँ पर सैटर्न अपनी राशि में बैठे सजियों को लगा के, तो कहीं ना कहीं इनका जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बना हुआ होगा, नो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन है इनका, तो बाकी के कर खाली है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र में शनि वो भी बकरी होकर बैठे, तो कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिकल पावर बहुत बढ़िया है, और बिकॉज शनि जो होता है वो अपने आप में सही का कारक होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंडली, मतलब
इंसान जो इंसान जो है इसके पास कोई कुछ मांगने जाए, कोई कुछ दरकार में जाए तो इंसान दे देता है, और सभी कुछ ऐसा ही है, यू नो, एक अच्छे इंसान की छवि इनकी बना हुआ है समाज में। चलिए और एक उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धनु लग्न मंत्र आपके मीन लग्न मंत्र है, ठीक है। मीन लग्न के लॉर्ड मंत्र फिर से जुपिटर, जो जुपिटर यहाँ पर आपके सिक्स हाउस से बैठे हैं, ठीक है। कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको यहाँ से 6 घर आगे जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आ गया, ठीक है। आप यहाँ से आपको इस भाव को लग्न बनाना, बाकी के सारे राशि को एक जैसे ही रखना है, ठीक है। चलिए इसको लग्न बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी लग्न बना है, यहाँ पर सेम बना है, 10 नंबर पे शनि की राशि आ गई है, मतलब मकर लग्न पे, तो जो इसका छवि बनता है तो क्या है, इंसान बहुत ही मेहनती है, लड़की बहुत ज़्यादा मेहनती है, और कभी भी किसी के दया से मांगते नहीं, हमेशा अपना कर्म करने में यकीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती है, तो इस तरह की छवि इनकी बनती है। आप देखेंगे इनके ज़्यादातर प्लान जो 9 हाउस में आ गया है, मतलब आपके 12 हाउस में आ गया है, ठीक है। तो क्या होता है, ये इंसान कभी कभी अपने गलत डिसीजन के वजह से, लोग इनको जो समझते हैं अपने गलत डिसीजन में से, यू नो, गलत डिसीजन ले रहा है, गलत सोच है इनकी, लेकिन ये इंसान जो है अपने तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, शनि इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है सोच के विचार से, लोग सोचते हैं कि लड़की जो है हमेशा गलत निर्णय लेता है, तो इनकी छवि कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। इस कुंडली में आप देख सकते हैं कर्क राशि, कर्क राशि के लॉर्ड आपके चंद्रमा मंत्र, चंद्रमा 8 हाउस से बैठे हैं, तो 8 हाउस से 8 हाउस जाना पड़ेगा, 8 हाउस से 8 हाउस जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एक लड़की की लड़का का कुंडली है जो कि बहुत छोटा है, 2010 में जन्म हुआ है इनका। इनका भी लग्न बनता है आरुद्र लग्न का, यहाँ पर शनि बैठे है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लेनेट है राहु केतु आ गया, शनि रेट्रोग्रेड होकर अपने फिनली साइन पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कन्या राशि में बैठे हैं रेट्रोग्रेड होकर, तो यहाँ पर उनकी छवि बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो है ये दोनों प्लेनेट अपने नीच की राशि में बैठे हैं, तो कहने के इसकी जो सामाजिक छवि है अभी तक, यू नो, थोड़ा सा मार पिटाई करने का है, थोड़ा सा झगड़ा करने का है, इस तरह की इसकी छवि बनती है। इसकी लाइफ आगे और भी बाकी है, लेकिन समाज में इनके जो छवि है मार पिटाई की, थोड़ी गुंडागर्दी की, हमेशा गुस्सा करने की, ऐसा छवि यहाँ पर बन रहा है इसका, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट करना, बोला आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के बहुत शुक्रिया, बाकी रुकते हैं ना।